9 फरवरी 2016 की वो काली रात तो याद होगी आपको, जब देश के नामी संस्थानों में शुमार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाए गए थे। उन नारों के बोल थे, हम लेके रहेंगे आजादी। इस देश विरोधी हरकत के लिए उस समय के जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया और उनके दो साथियों उमर खालिद और अनिर्बन को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि 23 दिनों तक जेल में रहने के बाद ये तीनों जमानत पर छूट गए थे, लेकिन इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। हर कोई ये सोचने को मजबूर था कि एक आजाद देश में भला कुछ लोग किस चीज की आजादी मांग रहे हैं। अब करीब 8 साल बाद फिर से ठीक वैसे ही बोल सुनाई दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। एक बार फिर खौफ जदा करने वाले नारे, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हिंदी में लग रहे आजादी के नारे भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में लगाए जा रहे हैं और आजादी फिलिस्तीन की मांगी जा रही है। साल 2016 में भारत में वामपंथी छात्रों की ओर से लगाए जाने वाले आजादी के नारे अब अमेरिका में सुनाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सामने आई है, जहां फिलिस्तीन के समर्थन में आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले 108 प्रदर्शनकारियों को भी गिरफ्तार किया गया था। दरअसल ये तो सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से इजराइल और हमास के बीच कड़ा संघर्ष चल रहा है। ये संघर्ष महीनों का नहीं बल्कि दशकों पुराना है, जिसके बाद से दुनिया भर के देश दो धड़े में बटे हुए हैं। एक धड़ा इसराइल का समर्थन करता है तो वहीं दूसरा धड़ा फिलिस्तीन का समर्थक है। लेकिन अब इस युद्ध की आग न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच गई है, जहां फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। 108 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के बाद भी इस आईवी लीग यूनिवर्सिटी में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये वीडियो कैंपस यहूदी हेट की ओर से एक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया है। खास बात यह है कि वीडियो में एक महिला फिलिस्तीन की आजादी के लिए हिंदी में नारे लगा रही है और उसके साथ ही कोरस में आजादी के नारे लगा रहे हैं। महिला नारा लगाते हुए कह रही है, अरे हम क्या चाहते आजादी, फिलिस्तीन की आजादी, अरे छीन के लेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी। वीडियो के बैकग्राउंड में फेमस लॉ मेमोरियल लाइब्रेरी को भी देखा जा सकता है। नारे लगाने वाली महिला ने बिंदी लगा रखी है और काफी साफ हिंदी बोल रही है। इससे माना जा रहा है कि उसका भारत से कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर होगा। वीडियो में वो आगे कहती है, बाइडेन सुन ले आजादी, नेतन्याहू सुन ले आजादी, मोदी सुन ले आजादी। हालांकि श्रेष्ठ भारत इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगाए जा रहे नारे हिंदी में है और इसमें मोदी का नाम भी लिया जा रहा है, इसलिए भारत में भी इस वीडियो पर चर्चा शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ठीक इसी तरह के आजादी के नारे दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी कई मौकों पर लगते हैं। गुरुवार को फिलिस्तीन की मांग कर रहे 108 प्रदर्शनकारी छात्रों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया गया था। विरोध प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों ने यह भी कहा कि उन्हें यूनिवर्सिटी के बर्नार्ड कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। दावा है कि उन प्रदर्शनकारियों में इसरा हर्सी भी शामिल थी, जो कि विवादास्पद डेमोक्रेट नेता इल्हान उमर की बेटी है। आपको याद दिला दें कि साल 2016 में कथित तौर पर लेफ्ट छात्रों की ओर से अफजल गुरु की फांसी की सालगिरह के मौके पर एक कार्यक्रम में इसी तरह के नारे लगे थे। अफजल गुरु 2001 के संसद हमले में शामिल आतंकी था, जिसे 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाकर उसके गुनाहों की सजा दी गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आप जरूर देखते रहे श्रेष्ठ भारत। नमस्कार।